चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 75 वर्षीय महिला का नेम प्लेट तोड़ दी गई, उनके अधिकार सीज कर दिए, क्या क्या उनका दोष है? ये चाहते हैं जो प्राचीन में आप देखे होंगे कि मनुस्मृति से जैसे भाई भारत मुल्क चलता था, ये चाहते हैं वैसे आज भी इसको चलाया जाए। अगर इंसाफ चाहते हो तो लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहो। अगर इंसाफ चाहते हो तो लंबे आंदोलन के लिए तैयार रहो, पर आपका आंदोलन निश्चित रूप से गांधीवादी, चरण सिंहवादी, मुलायमवादी होना चाहिए, अजीतवादी होना चाहिए। अगर आपने हिंसा की तो आंदोलन टूट जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी ये चाह करते हैं कि आंदोलन में हिंसा हो जाए, आप आंदोलन पथ भ्रष्ट हो जाए और मुख्य मुद्दे से निकल जाए एक तरफ। भीम सिंह, भीम जी ये बताइए कि आज जो पंचायत हो रही है इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यो है प्रमुख जीत्या, विनोद प्रमुख जीत्या। पहले तो ये ताना साहब बन के इसे जीतन नहीं देना चाहते थे, यू जबरदस्ती पब्लिक ने जिता दिया। विधायक की गैर धक्का मुक्का हुई, पहले मंत्री भी आया, मैं भाजपा के खिलाफ है यू, तो इबजायू जीतने के बाद में इसके अधिकार सीज कर दिए। वहाँ से जो ब्लॉक में इसका वो है, मैं सब तोड़ फोड़ कागज पत्र का लिए करण देना नहीं चाहते, कुछ भी एक पीसा नहीं कर दिया इनने, सारे नही पीछे पड़े हुए। जो विकास का काम आवे, गामों की खातरी आवे, प्रमुख बहुत बढ़िया आदमी, यू करवाता। सरकार तो तानाशाह हो रही है, पहली सरकारों को भी भूल गया। तो 22-23 करोड़ रुपए का शाहपुर ब्लॉक से और बुढ़ाना ब्लॉक से घोटाला है, और इसमें इस पूरे प्रकरण में क्या है? यहाँ लगभग ब्लॉक के अंदर है मेरे ख्याल में 9-10 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर निधि है, और उस पर इन लोगों की नज़र है कि उसको कैसे खाया जाए। और इसके मलिक का तो बाप गनी उसके उसके पीछे संजीव बालियान जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री है, और ये पूर्व विधायक उमेश मलिक, इनकी टीमें लगी हुई है अलग अलग, वो अपनी तरफ को खींच रही है, वो अपनी तरफ को खींच रही है, दोनों का मतलब ये है कि पैसा वो कैसे खाया जाए। लेकिन ये तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, नहीं कहाँ कर रही है बताओ? 75 वर्षीय महिला का नेम प्लेट तोड़ दी गई, उनके अधिकार सीज कर दिए, क्या क्या उनका दोष है? मैं चाहता हूं कि आज आप सब जेल जलो
और जेल के लिए यही सही गिरफ्तारी दो। कि मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस जिले में ही नहीं, ये घटनाएं इस भारत मुल्क में आप तमाम रोज देखते होंगे, तमाम घटनाएं इस तरह की होती है। पर मैं इस मानसिकता को मनुवादी मानसिकता कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये वो मनुवादी मानसिकता है जो नहीं चाहती है कि जो मजदूर किसान लोग हैं, गरीब तबका है, उसको उसके अधिकार मिले, वो भी उसको भी रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि ये उस चीज़ से इनको दिक्कत होती है। ये चाहते हैं जो प्राचीन में आप देखे होंगे कि मनुस्मृति से जैसे भाई भारत मुल्क चलता था, ये चाहते हैं वैसे आज भी इसको चलाया जाए। लेकिन आज इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये भारत है, लोकतंत्र का भारत है, ये संविधान का भारत है, अब यहाँ संविधान से ये भारत चलेगा। और आज बहुजन समाज जागरूक हो गया है उस चीज़ के लिए, आज आप देख रहे हैं ये महापंचायत है, ऐसे हमारे बड़े बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन लगातार सरकार के खिलाफ चलते रहते हैं। मैं सीओ